हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम चैनल फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे आज के वीडियो में 12 अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की मात्रा। हाँ फ्रेंड्स, फुट क्या है, इंच क्या है, फरलांग क्या है, कड़ी क्या है, जरी क्या है, फ्रेंड्स आज हम उसी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स मेरे साथ बनी रहे और पूरी वीडियो देखिए, और फ्रेंड्स पसंद आए तो अंत में लाइक करे, कमेंट करे और चैनल पर प्लीज बेल बटन को करना ना भूले। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहले इसको अंग्रेजी पद्धति में इसकी माप कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इसकी माप होती है 1 फुट। हाँ फ्रेंड्स, 12 इंच को 1 फुट माना जाता है अंग्रेजी पद्धति में। अब दूसरा है 3 फुट। हाँ फ्रेंड्स, 3 फुट बराबर कितने होते हैं, तो 3 फुट बराबर 3 फुट को 1 गज कहा जाता है। गज यानी कि हाथ फ्रेंड्स, 1 गज ये फ्रेंड्स 3 फुट 1 गज हुआ। अब चलते हैं तीसरा है 200 गज। हाँ फ्रेंड्स, 200 गज बराबर अंग्रेजी पद्धति में उसकी माप कितनी है, तो 1 फरलांग। हाँ दोस्तों, 1 फरलांग उसकी माप है 200 गज की। अब देखते हैं 4 में 8 फरलांग। हाँ फ्रेंड्स, 8 फरलांग बराबर कितने होते हैं, तो ये 1760 गज होते हैं। 1760 को 1 गज, या इसे हम 1 मील भी कह सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसे 1 मील भी कहा जाता है। अब है 792 इंच। हाँ दोस्तों, 792 इंच की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1 कड़ी। 1 कड़ी हो जाती है, 792 इंच की लंबाई 1 कड़ी हो जाती है। अब है छठा 100 कड़ी। हाँ फ्रेंड्स, 100 कड़ी बराबर 100 कड़ी की लंबाई कितनी हो जाती है, तो ये 1 चेन हो जाती है, इसकी लंबाई 1 चेन हो जाती है। अब है 22 गज। हाँ फ्रेंड्स, 22 गज की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1 चेन। 1 चेन मतलब जरीब हो गया, 1 जरीब। 1 चेन को जरीब भी कहा जाता है, चेन को ही जरीब कहा जाता है। तो अब है 8 में 10 चेन। हाँ फ्रेंड्स, 10 चेन की लंबाई कितनी हो जाती है, 10 चेन की 1 फरलांग। 1 फरलांग हो जाती इसकी लंबाई, 1 फरलांग। अब है 9 में 18 इंच। हाँ फ्रेंड्स, 18 इंच को क्या कहा जाता है, 18 इंच को 1 हाथ कहा जाता है। 18 इंच को इसकी लंबाई, 18 इंच की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1 हाथ हो जाती है। अब है 10 में 5.5 गज। हाँ फ्रेंड्स, 5.5 गज की लंबाई कितनी हो जाती है, 1 पुल। इसकी लंबाई 1 पुल हो जाती है। अब ग्यारह और आखिरी सवाल है 40 पुल। हाँ फ्रेंड्स, 40 पुल बराबर हो जाता है 1 फरलांग। 1 फरलांग। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। हमने जाना अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की मात्रा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज हमने फरलांग, इंच, फुट। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।